Live, Prime Minister Narendra Modi is addressing on the occasion of the Ramnath Goenka Awards. लेकिन बहुत करीब होंगे, मैं उनको भी बधाई देता हूं ताकि ये सिलसिला चलता रहे, हर किसी का कलम, हर किसी की सोच, हर किसी के शब्द, उसकी मेहनत देश को आगे बढ़ाने में किसी न किसी प्रकार से योगदान देती रहे। बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में जगह बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्यक्षेत्र से भी बाहर अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की परिधि में अपना स्थान बनाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, और वो नाम है रामनाथ गोयनका जी का। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे रामनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला था। वे गुजरात आए थे, अब वो जिस स्थान पर थे तो स्वाभाविक है कि उनके मिलने का दायरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं या मुख्यमंत्री हो सकते हैं या मीडिया को लगा हो कि भविष्य में शायद ये बनेगा वो हो सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं था, शायद उस शहर के किसी एडिटर से मैं टाइम मांगता वो भी महीने भर नहीं देता, लेकिन रामनाथ जी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला था। जयप्रकाश जी के आंदोलन का वो काल था और रामनाथ जी के भीतर जो आग थी वो आग हम अनुभव कर सकते थे और वो इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार और उसके लिए थी, ऐसा नहीं था। उनको जो अखबार के माध्यम से अभिव्यक्त होता था उससे भी संतोष नहीं होता था, उनकी भावनाओं के लिए अखबार भी छोटा पड़ रहा था और इसलिए वो अखबार की परिधि के बाहर भी कुछ करना चाहते थे और करते रहते थे। और जयप्रकाश जी के पीछे एक ताकत बन के खड़े रहने का काम उस समय किसी ने किया तो गोयनका जी ने किया था। अपने उसूलों के इतने पक्के रहे, इस अर्थ में रहे कि जिस परिवार के संबंध में सब लोग जानते हैं उनके साथ अगर निकट संबंध हो तो पता नहीं कहां से कहां व्यक्ति को पहुंच जाता है, क्या कुछ पा लेता है। उस परिवार की कृपा के लिए कोशिश करने वालों की कोई कमी नहीं रही। उसूलों के आधार पर उस परिवार के साथ निकटता थी, लेकिन उसूलों के आधार पर उस परिवार से नाता तोड़ने का साहस किसी ने दिखाया था तो श्रीमान गोयनका जी ने दिखाया। और उसूलों पर, आदर्शों पर, और इसलिए पत्रकारिता कलम के माध्यम से जो प्रकट होता है
और जो दूसरे दिन अखबार में लोग पढ़ते हैं वहां तक सीमित नहीं रही। और भारत का पूरा इतिहास देखे, मुझे मालूम नहीं कि आज जर्नलिज्म के स्टूडेंट के सिलेबस में क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम भारत की पत्रकारिता के इतिहास को देखें, उसकी पूरी विकास यात्रा आजादी के आंदोलन की विकास यात्रा से जुड़ी हुई थी। इस देश का आजादी का कोई आंदोलनकार ऐसा नहीं था जो किसी न किसी अखबार से जुड़ा हुआ ना हो, और हर किसी को लगता था कि अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ना है तो मेरे पास ये भी एक साधन है। वो लड़ते थे और ज्यादातर पत्रकारिता के क्षेत्र के द्वारा सेवा का भाव से देश के आजादी के आंदोलन को चलाने वाले लोगों को कई वर्षों तक जेलों में जिंदगी काटनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था। और हमारे देश के हर बड़े व्यक्ति का नाम, चाहे तिलक जी ले, गांधी जी ले, हर किसी का, इवन श्री अरविंदो, हर कोई अपने जीवन के कालखंड में अखबार के माध्यम से आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत भरते रहे थे। हिंदुस्तान की एक और विशेषता हम अनुभव करते हैं कि हमारे जो माता सरस्वती के संतान है, कविता जिनके सहज होती है, साहित्य जिनकी सृजन में सहज होता है, मां सरस्वती उनके आशीर्वाद उन पर विराजमान रहते हैं, लेकिन एक कालखंड था कि भारत के करीब करीब सभी बड़े साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़ना पसंद करते थे, और पत्रकारिता से लेने जाते थे, वो कविता से भाव तो जगाते थे लेकिन पत्रकारिता से वो जोम भरते थे, आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। कविता की ताकत से ज्यादा उनको उस समय पत्रकारिता की ताकत की अनुभूति होती थी, और इसलिए कविता का मार्ग अपने आनंद के लिए, लेकिन राष्ट्र कल्याण के लिए पत्रकारिता का मार्ग, ये साहित्यिक जीवन की पूरी पीढ़ी हमारे देश में रही। यानी एक प्रकार से भारत की ये यात्रा, और अंग्रेज सल्तनत ने भी जो संकट के लिए कुछ क्षेत्र देखे थे उसमें एक क्षेत्र था ये लिखने पढ़ने वाले लोग, और उनको लगता था कि ये है जो उनके खिलाफ हमने कोई न कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत की लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, लोकतंत्र सही दिशा में चले उसके लिए भारत की पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। किसी की आलोचना के लिए नहीं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं, लेकिन हम जानते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा एपिडेमिक आ गया, बीमारी आ गई कोई, तो हर कोई पहले वाली बड़ी बीमारी को याद करता है कि भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि फ्रॉम नोन टू अननोन जाना सरल होता है। और इसलिए लोकतंत्र पे क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे खतरे महत्व रखते हैं, इसको समझने के लिए भारत में इमरजेंसी का काल बहुत उपयोगी है। अगर इमरजेंसी की बात कहते, कुछ लोगों को बुरा लगता है उसको, वो राजनीतिक तराजू से देखा जाता है, मैं समझता हूं राजनीति का पीरियड समाप्त हो चुका है। आज निष्पक्ष भाव से उसकी मीमांसा, मैं आलोचना शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, मीमांसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये हर पीढ़ी में होते रहनी चाहिए, ताकि इस देश में ऐसा कोई राजपुरुष पैदा ना हो कि जिसको इस प्रकार का पाप करने की इच्छा तक पैदा हो। ये हम लोगों, हम जो इस बिरादरी के लोग, हम जिस बिरादरी के लोग हैं, उनको बार बार चौकन्ना रखने के लिए भी आपातकाल याद रखवाना बहुत जरूरी है। यह भी सही है
कि उस समय जिस मीडिया से दुनिया डरती थी ऐसा कहते हैं, जो मीडिया के सामर्थ्य की चर्चा होती थी, लेकिन उस कालखंड ने दिखा दिया था भाई ये जो सुनते थे देखते थे ऐसा नहीं है, कुछ और है। बहुत कम बिरले निकले थे, बहुत कम जिन्होंने आपातकाल को चुनौती देने का रास्ता चुना था और उसका नेतृत्व रामनाथ गोयनका जी ने किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने किया था और बेफिक्र होकर के किया। मैं समझता हूं कि ये इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र को हर समय हर युग में शार्पन करने की आवश्यकता होती है। आज अपनी अपनी जगह पर मैं समझता हूं शायद पिछली पूरी शताब्दी में मीडिया को जो चुनौतियां नहीं थी वो चुनौतियां आज है, शायद पिछली पूरी शताब्दी में कभी नहीं रही होगी। और उसका मूल कारण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी चुनौती खास करके मीडिया के लिए पैदा की है। पहले खबरें 24 घंटे के बाद भी आती थी तो भी खबरें खबर लगती थी, आज 24 सेकंड भी बीत जाए अच्छा अच्छा तुझे पता नहीं है, अरे ऐसा हो गया था, उसके हाथ में सब तो टेलीफोन में है, मोबाइल फोन पे है, दुनिया के किसी कोने के पता होता है कि हाँ ये खबर है। मैं नहीं मानता हूं जब टीवी मीडिया आया तो सरकारें बड़ी परेशान थी कि एक जगह पे टीवी पे खबर आ जाए, सरकार को जो रिस्पांस टाइम चाहिए, मानो एपिडेमिक आया तो डॉक्टर को मोबिलाइज करना होगा या कहीं कुछ दंगा हो गया तो पुलिस को भेजना होगा, मीडिया उतना टाइम नहीं देता है, उसके लिए तो खबर खबर है, ब्रेकिंग क्या मालूम नहीं। लेकिन उसको भी कोप अप करने के लिए सरकारों का सामर्थ्य नहीं बना, उसके पहले सोशल मीडिया आ गया, जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। पहले पत्रकारिता कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए हुए लोग, किसी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग, आज कुछ नहीं साहब, गांव का आदमी भी उसको ठीक लगा फोटो निकाल देता है डाल देता है। और इसके कारण लोगों के पास खबरें बहुत हो गई है। और इस स्थिति में क्रेडिबिलिटी ये बहुत बड़ी बात बन गई है। आदतन सुबह लोग अखबार उठाते हैं, ये आदत है, चाय पीने की जैसे आदत वैसे अखबार उठाने की एक आदत है, वो कितना ही टीवी पे खबर देखी होगी लेकिन एक बार तो उठाएगा। लेकिन अब वो खबर पढ़ता नहीं है, वो वेरीफाई करता है कि कल मोबाइल पर देखा था वो है कि दूसरा है, और फिर वो हिसाब लगाता, अच्छा भाई चलिए तेरे 2 रुपया गया आज का। और इसलिए मैं समझता हूं कि चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती को हम कैसे कोप अप करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अनुभव भी आता है कि देश में कैसी कैसी टैलेंट है, किसी कैसी संवेदनाएं से भरा हुआ मानव समूह है, हर छोटी चीज को कितनी बारीकी से वो एनालिसिस करके देखता है। मुझे बराबर याद है मैं गुजरात में सीएम था तो कभी कभी ये नेता लोगों की एक बात तो अखबारों में छपती रहती है, हर किसी की छपती है, साल में एक बार किसी की 2 बार तो किसी की 10 बार नहीं छपती है कि ये वीआईपी कल्चर और इतना गाड़ियां लेकर के जाते हैं और टिकना फलाना और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहता है, वो कुछ खबर नहीं होती तो रेडीमेड मिल ही जाती है। हम भी पढ़ते थे, मैं भी हमारे अफसरों से कहता क्या है अरे क्या लेकर के चलते ना, ऐसा बोले ब्लू बुक में लिखा हुआ है हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम भी उनको समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बार
मैं जब अहमदाबाद से मेरा कॉन्वॉय गुजर रहा था, शाम का समय था, किसी नौजवान ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग शुरू किया और जैसे गाड़ियां जा रही थी, एक दो तीन गिनता रहता था, गाड़ियां जा रही, और उसको उसने अपलोड किया। मैं खुद सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव था, तो मुझे 2-3 घंटे में ही मेरे पास आया वो। अखबारों में आलोचना होकर के जितना प्रभाव हुआ था, उससे ज्यादा मुझ पर एक नौजवान ने जो अपलोड किया था उसका प्रभाव हुआ था। मैं अपनी बात इसलिए बताता हूं कि कितनी ताकत हो गई है इसकी। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल अच्छी चीज है, और ऐसे समय ये क्रेडिबिलिटी, इसको बनाए रखना, मैं समझता हूं समय की बड़ी मांग है। दो चीजें ऐसी हैं, वैसे ये ऐसा वर्ग है और एक क्षेत्र ऐसा है जिसको सबको कहने का हक है, किसी को उनको कहने का कोई हक नहीं है। और कह दिया तो फिर क्या होगा, मैं भी जानता हूं, आप भी भलीभांति जानते हैं। वैसे मैं मीडिया का जीवन भर शुक्र गुजार रहूंगा, और ना मुझे कौन जानता था। आजादी के बाद अगर किसी भी राजनेता को ऐसा सौभाग्य मिला हो तो मैं अकेला हूं। इसलिए दो चीजें मेरे मन में हमेशा रहती हैं, और मैं चाहूंगा कि कोई सोचे। देखिए, दुनिया बदल चुकी है, सिर्फ इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी ग्लोबलाइज हो चुकी है। पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या कारण है कि पूरे दुनिया का जो मीडिया वर्ल्ड है उसमें भारतीय मूल का कोई स्थान नहीं है? आज भी कुछ लोग मिलते, अरे मैंने बीबीसी पे सुना था, अब अल जजीरा तक पहुंचा है मामला, सीएनएन, बीबीसी, अल जजीरा। इस फील्ड के लोगों ने इस चुनौती को समझना चाहिए, भारत के मूल का एक विश्व स्तर का, और हम दुनिया में अगर एक प्लेयर है तो हमारे हर पहलू का प्रभाव विश्व में पैदा होना चाहिए, सपना होना चाहिए। किसी को बुरा लगे या ना लगे, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मेरे देश का प्रभाव होना ही चाहिए। हमारे अंदर बहुत ताकत है। जैसे मैं देखो, अभी एनवायरमेंट पर अवार्ड मिला तो मैंने विवेक को पूछा, मैंने कहा विवेक ये पॉल्यूशन पर रिपोर्टिंग है कि एनवायरमेंट पे है, ऐसे में मजाक में पूछ रहा था। आज पूरी दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट की चर्चा करती है, भारत की रगों में प्रकृति के साथ जीना कैसे, प्रकृति का महात्मा ही क्या है, प्रकृति के सामर्थ्य को स्वीकार करना, ये हमारी रगों में है। अगर हमारे पास इस लेवल का दुनिया में कोई मीडिया होता तो हम विश्व को समझा देते कि बर्बादी का कारण आप हैं, बचाने के लिए हमने अपने आप को बर्बाद किया है, हमने अपने आप को नुकसान झेला है। यही तो महात्मा गांधी साबरमती के तट पर रहते थे, नदी उस समय तो पानी भरा रहता था 1930s में, लेकिन गांधी जी को कोई पानी का ग्लास देता था वो कहते थे भाई आधा लाओ, आधा उस मटके में वापस डालो, पानी बर्बाद मत करो, नदी बह रही है, नदी के किनारे पर बैठे थे। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा ये हमारी रगों में है। ये देश ऐसा है जो बचपन में बच्चों को सिखाता है कि बेटे बिस्तर से पैर नीचे रखते हो तो पृथ्वी माँ की क्षमा मांगो कि तुम अपना पैर पृथ्वी पर रख रहे हो। ये हमारे संस्कार। माँ कितनी ही पढ़ी लिखी हो, बच्चों को कहती है ये सूरज है तेरा दादा है, ये चांदा है तेरा मामा है, पूरा ब्रह्मांड तेरा परिवार है। ये हमारे यहां रगों में भरा गया है,
क्यों ना हम दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हमारे पास वो पत्रकारिता की ताकत हो, हमारे पास कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो कि हम दुनिया को कहें कि भाई रास्ता यही है, देने के लिए बहुत कुछ है, उस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि शायद कोई न कोई तो निकलेगा, और ये सरकारी नहीं होना चाहिए, सरकार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसे विनोबा जी कह रहे थे हमेशा, जो मंत्र मुझे हमेशा अच्छा लगा, विनोबा जी शब्दों के खेल खेलने में बड़े माहिर थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था विनोबा जी को सुनना पढ़ना। उन्होंने एक जगह भी लिखा था असरकारी असरकारी, शब्द वही है असरकारी असरकारी इफेक्टिव। ऐसा हमारा एक सपना होना चाहिए कि दुनिया में हम भी उस लेवल के मीडिया वर्ल्ड में हमारी जगह होनी चाहिए। और शायद जो मीडिया वर्ल्ड के लोग रिसर्च करते होंगे उनको मालूम होगा, दुनिया के जो सभी टॉप कंट्रीज हैं वे आजकल एक काम में लगे हुए हैं, फाइनेंस बजट व्यवस्था करते हुए, कि इस लेवल की कम्युनिकेशन एजेंसियां कैसे तैयार हो। सरकारों की सरकारें लगी हुई है, क्योंकि हर एक को लगता है कि भाई ये ग्लोबलाइज इकोनॉमी सिर्फ नहीं है, ये सारी दुनिया इस प्रकार से शेप ले रही है, उसमें हमारा टिकना बहुत जरूरी है। एक अवसर भी है चुनौती भी है, उस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरा, सरकारों की आलोचना जितनी हो उतनी ज्यादा अच्छी है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई रिपोर्टिंग में गलती मत करना, लेकिन भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, विशेषताओं से भरा हुआ देश है। देश की एकता ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके लिए खबर है और छपने के तुरंत बाद आप दूसरी खबर की खोज में लगे हो, लेकिन कभी कभी वो ऐसे गहरे घाव कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाप और लोग नहीं करते, हो सकता है आप लोगों से ज्यादा हम करते हैं, हमारी बिरादरी वाले, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हम देश की एकता को बढ़ाने वाली चीजों पर बल कैसे दे। मैं उदाहरण देता हूं, और मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी तो नहीं कहेंगे, महीने की बात करेंगे। पहले कोई एक्सीडेंट होता था तो खबर आती थी कि फलाने गांव में एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक एक और साइकिल वाला इंजर हो गया, एक्सपायर हो गया। धीरे धीरे बदलाव आया कि फलाने गांव में दिन में रैश ड्राइविंग के द्वारा शराब पिया हुआ ड्राइवर निर्दोष आदमी को कुचल दिया। धीरे धीरे रिपोर्टिंग बदला, बीएमडब्ल्यू कार ने एक दलित को कुचल दिया। सर मुझे क्षमा करना, वो बीएमडब्ल्यू वाले कार को मालूम नहीं था कि वो दलित है जी, लेकिन हम आग लगा देते हैं जी। एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग होना चाहिए, अगर हेडलाइन बनाने जैसा तो हेडलाइन बनना चाहिए। बजट आता है, बजट का रिपोर्टिंग क्या होना है कि भाई सरकार का बजट आया, डेफिसिट है या नहीं है, 2000 करोड़ के टैक्स लगाए, 1000 करोड़ के लगाए, ये न्यूज है। लेकिन हमें न्यूज नहीं पढ़ने हुए, हमें व्यूज मिलता है मोदी सरकार का कमर तोड़ बजट, मोदी सरकार का उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रख करके बजट।
खैर ये बातें तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन ये कोई आलोचना के लिए नहीं है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इतने बड़े देश को सरकारों से नहीं चलता है जी, जितनी संस्थाएं देश को एकजुट रख सकती हैं, जितनी संस्थाएं देश को आगे बढ़ा सकती हैं, हम सब मिलके करेंगे, कोई कारण नहीं है हमारा देश पीछे रह सकता है, कोई कारण नहीं है। दुनिया को हम कुछ दे नहीं सकते हैं, और ऐसे नौजवान जिन्होंने पत्रकारिता को अपना धर्म मान करके उत्तम से उत्तम प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत की है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उनसे प्रेरणा पा करके नई पीढ़ी भी तैयार होगी, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई विवेक ने मुझे बुलाया, परिवारजनों के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, लेकिन आज मुझे इस अवसर पे आने का सौभाग्य मिला, मैं परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your valuable and inspiring thoughts. May I please request Anant Goenka, Executive Director of the Express Group, to please come and present a special token to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. This is the front page of the Indian Express newspaper of the day when Sri Narendra Modi took charge as India's 15th Prime Minister after his historic mandate. Thank you very much, sir, and thank you, Anand. And now I request Raj Kamal Jha, Chief Editor, the Indian Express, to come up on stage and propose the formal vote of thanks. Thank you very much, Mr. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Sir, you know, after your speech, we are all speechless. But I need to say a few things as vote of thanks. Your being here is a very strong message, we hope, that good journalism is defined. It should be defined. Good journalism should be defined by the work we celebrate this evening, done by reporters who report and by editors who edit. Not by the selfie journalists we see a lot of these days. Who are always obsessed by what they think, by their face, by their views, who keep the camera turned towards them. The only thing that matters to them is their voice and their face. All the rest is backdrop or silly background noise. And this, in this selfie journalism, if you don't have the facts, it doesn't matter. You just put a flag in the frame and you hide behind it. Thank you very much, sir, for your speech, for your wonderful underlining of the importance of credibility. I think that's the most important thing that we can take away as journalists from your speech. It makes us, you know, you also said a few wonderful things about journalists, which makes us a little nervous. You may not find it in Wikipedia, but Sri Ramnath Goenka, and it's a fact, and I can say that as the editor of the Indian Express, he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that aapka reporter bahut achha kaam kar raha hai.
That's very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in smoking scenes in cinema, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist, that criticism from a government is wonderful news for journalism. I think that's very, very important. Thank you, sir, for your speech. You made some wonderful points. I think the most important point was of credibility. And I think that is very, very important. We cannot blame the government for that. That is our job. We need to look within. And we will surely reflect on your remarks. Thank you to the winners of the Ramnath Goenka Journalism Awards. There are two remarkable facts about this year's awards, which I want to share with you. We got 562 applications. This is the highest ever we got in the last 11 years. From 128 news organizations, this is also the highest ever. And it is very important for me to underline this number, because this is a reply to those who say that good journalism is dying, that journalists have been bought over by the government. It is not that good journalism is dying, not at all. It is getting better and it is getting bigger. It is that bad journalism makes a lot more noise than it used to do 5 years ago. And that is why I think the remote control should get the RNG award for excellence in journalism. And so that is why I would like to request you to lend a hand to all those who have won the awards this year. Thank you. In the end, thank you to all of you who have come here this evening. It's very important. There are people from the government. There are people from the opposition. We know who is who. But when they applauded journalism, it did not matter. You could not make out who is in the government, who is in the opposition. That is the way it should be. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Cha. Now, to make it special for the winners of the Ramnath Goenka Excellence Journalism Awards 2015, may I please request Anant and all the award winners only to join us on stage with their trophies for a group photograph with the Honorable Prime Minister of India, Shri Modi, and Mr. Vivek Goenka.
Welcome back to studios. Well, that was a live telecast of the presentation of the Ramnath Goenka Excellence Awards for Excellence in Journalism. You heard the Prime Minister speaking. He spoke about the dedication of Ramnath Goenka to the profession. He also spoke of the close relation of the freedom movement to journalism and the qualities that journalists must aspire to and imbibe and pass on to the next generation.